Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and your exam preparations are going very well. तो आज मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है रेलवे की तरफ से. जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB की तरफ से एक और धमाकेदार जॉब की पेशकश की गई है RRB JEE न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत. देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट होगी जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे. तो चलिए जान ले इसके बारे में पूरी डिटेल्स को. देखिए फ्रेंड्स, RRB के बारे में पहले ही आपको बता दिया है कि JEE यानी जूनियर इंजीनियर की न्यू भर्ती आ रही है, जिसके लिए टोटल पोस्ट आपका 7951 रहेगा, मतलब कि 8000 के अप्रॉक्स सीट्स रहने वाला है. अब पोस्ट की बात करें तो टोटल 5 टाइप के पोस्ट रहेंगे. देखिए, जूनियर इंजीनियर, सेकेंड है DMS यानी डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का, थर्ड है CMA यानी कि केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, फोर्थ आपका केमिकल सुपरवाइजर एंड लास्ट पोस्ट है मेटलर्जिकल सुपरवाइजर. मतलब कि ये टोटल इधर जो आपका चार पोस्ट है इसको कंबाइन करके 7934 सीट्स है और JEE के लिए आपका 17 सीट है, तो ओवरऑल सीट आपका 7951 है. अब इन दोनों को अलग अलग इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे, सर्च करेंगे RRB JEE का कितना वैकेंसी है और वहां पर इतना सीट दिखा देगा तो वो बोलेंगे कि मैम झूठ बोल रही थी, बस इसलिए क्लैरिफाई कर दिया है. देखिए, इसके लिए आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया है 22 जुलाई को और जो अप्लाई का डेट रहेगा 30 जुलाई से 29 अगस्त. तो देखिए, आपको लास्ट डेट तक इंतजार करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. अगर इंटरेस्टेड हो तो 30 तारीख के बाद जल्द से जल्द अप्लाई कर देना. और हाँ, अगर इससे रिलेटेड शॉर्ट नोटिस जारी आप जो देखना चाहते हैं डाउनलोड करके, या फिर सिलेबस देखना चाहते हैं कि इसका क्या सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है थोड़ा सा, तो वो सब कुछ आपको अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए. चलिए फिलहाल बता दूं कि फॉर्म की फी क्या है. जनरल OBC और EWS से 500 रुपीज लिया जाएगा और अदर जो भी कैटेगरी है इंक्लूडिंग फीमेल कैंडिडेट एक सर्विसमैन सभी से 250 यानी 250 रुपया लिया जाएगा. और आपको बार बार बता देती हूँ कि रेलवे में जो आपका फी लिया जाता है ना, वो बाद में रिफंड किया जाता है. जैसे ही आप पहला एग्जाम में बैठते हैं उसके बाद पैसा वापस आ जाता है. तो 500 का आपको 490 रुपये और 250 का 240 आपके अकाउंट पे रिफंड कर दिया जाएगा. देखिए, एज लिमिट की अगर बात करूं तो सबसे पहले जानेंगे किस डेट से एज काउंट होगा. एज ऑन 1 जनवरी 2025, मतलब 1 जनवरी 2025 के अनुसार 18 वर्ष से 36 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, मतलब 18 to 36 ईयर्स. साथ के साथ रिलैक्सेशन भी है अपर एज लिमिट में. OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का मिलेगा. अब बारी आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा. देखिए, क्वालिफिकेशन में आपको पहले ही पता है कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना ही चाहिए. अगर आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है रिलेटेड ट्रेड से, देखिए अलग अलग तरह के ट्रेड भी है. इंजीनियरिंग का आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, बैचलर्स आपने BSc कर रखा है, तो सारा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन है. तो वो क्वालिफिकेशन आपको मिलेगा, शॉर्ट नोटिस में मेंशन किया गया है, तो उसको आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख लेंगे कि आपके पोस्ट, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका क्या क्वालिफिकेशन है. ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका 4 स्टेज का रहेगा. पहले स्टेज पर CBT 1 यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा. पहला परीक्षा पास करिएगा, फिर CBT 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, लास्ट में सिंपल सा मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा. चलिए देख लेते हैं CBT 1 का एग्जाम पैटर्न. देखिए, ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए. पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है. टाइम 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का रहता है और निगेटिव मार्किंग 1 रहेगा, मतलब 1/3 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है. और मैथ से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, GK के 15 क्वेश्चन और साइंस के 30 क्वेश्चन. तो ये आपका पहले परीक्षा का पैटर्न है, सिलेबस नहीं होता है. ये सिलेबस वो होता है जिसमें बताया जाता है किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या चैप्टर पूछा जाएगा. तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है,
सीबीटी 1 की परीक्षा को जब आप पास करेंगे तो सीबीटी 2 होता है। तो इसमें 150 प्रश्न होते हैं 150 नंबर के लिए, समय 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का, और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को कंबाइन करके 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, एंड लास्टली टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन, मतलब कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया सीबीटी 2, इसमें क्वालिफाई करोगे आप, उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग आपकी कहाँ पर होगी, देखिए वैकेंसी आपको जोन वाइज आएगी, अलग अलग जोन के लिए अप्लाई करना होगा, तो आप देख लेंगे कि जिस जोन में अप्लाई करेंगे वहाँ पर कितना सीट है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा देख के ये चीज़ क्लियर कब हो पाएगा, जब 30 जुलाई को आपका फॉर्म ऑनलाइन होने लगेगा, जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे जोन वाइज भर्ती शॉर्ट नोटिस में भी है, देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब ज्वाइन करोगे आप तो सैलरी क्या मिलेगी, शुरुआत में ही आपकी सैलरी 45,000 यानी 44,900 रुपीज रहती है। तो जब शुरुआत 45,000 से होगी तो बाद में तो सैलरी और कितना बढ़ेगा आप समझ ही सकते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अगर आप इलिजिबल हो, आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो जरूर आप अप्लाई करना और एग्जाम देना, ताकि आप अपना एक सीट अचीव कर पाओ, इस साल अपनी जॉब की जो ड्रीम होती है उसको पूरी कर पाओ। आई होप पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अब भी कुछ पूछना हो तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।